ओके, तो हम मार्च पेपर 24-2 कर रहे थे 2020 का जी। स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी आप सबके जी सर। साथ। ओके और हमने यहाँ पे एंड किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, रेट कांस्टेंट और यूनिट्स निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। एल्यूमिनियम फ्लोराइड AlF3 कंपाउंड। द बॉन्ड हैवर साइकिल फॉर थ्री इज शोन। ओके, H4 को जी आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके जी सर। ओके, तो हम x6 को देख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो H6 अगर देखा जाए तो इट इज इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है। और किसकी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है? एल्यूमिनियम फ्लोराइड की, राइट? तो एक मिनट रुकिएगा जी। तो डेल्टा H6 को मैं क्या बोलूंगा? इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AlF3। H4 अगर आप देखें तो H4 में क्या हो रहा है? यहाँ पे आपके पास ये रहा H4। तो H4 में फ्लोरीन जो है एटम्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि फ्लोराइडाइन्स बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है? 3 फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफिनिटी टाइम्स 3, क्योंकि 3 मोल्स हैं, राइट? तो हम डेल्टा एच फोर को यार क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वी कैन से इट इज 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
Yes, sir. Okay. Use the data in the table and data from the data booklet to calculate the lattice energy of ALF3. Okay. यहाँ पे देखें तो हमें atomization provided है, हमें electron affinity provided, sorry, हमें ionization energy provided है, हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोवाइडेड है और हमें फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. अगर आप रिकॉल करें एक्सप्रेशन तो लैटिस एनर्जी की एक्सप्रेशन ये थी कि लैटिस एनर्जी इज इक्वल्स टू एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन माइनस सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन प्लस sum of enthalpy change of electron affinity plus sum of enthalpy change of ionization or ionization energy. Okay. तो हमारे पास देखें तो एक चीज मिसिंग है और वो चीज क्या मिसिंग है, क्लोरीन की एटोमाइजेशन इज मिसिंग. फ्लोरीन की, यस सॉरी, एक मिनट जी, फ्लोरीन की. तो फ्लोरीन की एटोमाइजेशन नहीं दी हुई और उन्होंने यहाँ पे डाटा बुकलेट कहा है, तो हम डाटा बुकलेट से बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू देखेंगे. और फ्लोरीन क्योंकि एक डायटॉमिक एटम है तो ऐसे केस में डेल्टा बॉन्ड एनर्जी को अगर माइजेशन मिल जाएगी. ओके, तो फॉर्मेशन मुझे गिवन है, फॉर्मेशन क्या है, -1504 माइनस सम ऑफ एटोमाइजेशन गिवन है और एटोमाइजेशन में मुझे एक ही पता है और एटोमाइजेशन वो किसकी है, एल्यूमिनियम की है जो क्या है पॉजिटिव 326 है. और मुझे किसकी चाहिए, फ्लोरीन की एटोमाइजेशन चाहिए. अभी मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की -328 है, मगर कितने कंपाउंड का अगर आप फॉर्मूला देखें तो ALF3 है, विच मींस ये टाइम्स 3 हो जाएगी. तो 3 टाइम्स -328 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम की, गैशियस एटम से 3 पॉजिटिव आयन में जा रहा है तो इट मींस तीनों आयोनाइजेशन एनर्जीज दी हुई है जो कि क्या है पॉजिटिव 5137. अब आ जाइए जरा डाटा बुकलेट पे ताकि देख लें कि आपको कैसे बॉन्ड एनर्जी से एटोमाइजेशन फिगर आउट करेंगे. और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा. तो फ्लोरीन की अगर आप देखें तो 158 है, इट मींस
कि जब वो ये बॉन्ड एनर्जी है, जब ये ब्रेक होगा बॉन्ड तो कितने मोल्स फ्लोरीन के मिलेंगे, 2 मोल्स फ्लोरीन के मिलेंगे, और उसका एंथैल्पी चेंज क्या है, +158। ठीक है, तो हमें कितने चाहिए, हमें 3 फ्लोरीन एटम्स की एटमाइजेशन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 158 डिवाइडेड बाय 2 × 3 करेंगे, तो जरा कोई मुझे बताइए वैल्यू सॉल्व करके, 3 × 158 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ रहा है, दैट इज द एटमाइजेशन ऑफ फ्लोरीन, 237। सो हियर यू गो, 237। अब आप सॉल्व कर लें, आपको लैटिस एनर्जी का आंसर मिल जाएगा। कोई मुझे आंसर कंफर्म करेगा, जी क्या आंसर आ रहा है, अच्छा ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज होगा, जी आंसर कौन कंफर्म कर रहा है, यस प्लीज आंसर बताइए। सर -79,911। बेटा दोबारा चेक करें, -6,220। भाई ये देखें 79,000 हो कैसे सकता है, आप अगर वैल्यूज देखें तो -6,220, so this is the answer -6,220 kilojoule per mole। जी ये क्लियर है सबको, जी सबको क्लियर है, Scandium fluoride is an ionic compound. Use the data from the data booklet to suggest the how lattice energy of LF3 compare with the lattice energy of scandium fluoride. Okay, scandium fluoride is an ionic compound. Where is the scandium? It is over here. ठीक है, तो scandium का साइज बड़ा है क्योंकि एल्यूमिनियम पीरियड 3 में है और scandium पीरियड 4 में है। तो अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो अगर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का ये साइज है तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का साइज इससे बड़ा होगा, और अगर साइज बड़ा होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर होंगी, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर वीकर होंगी तो लेस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, बॉन्ड जो बनेगा वो कम एनर्जी रिलीज करके बनेगा, तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं, दी लैटिस एनर्जी
of scandium fluoride is lower than sodium chloride. Sorry, आपको क्या दिया हुआ है? एल्यूमिनियम फ्लोराइड दिया हुआ है. इट इज बिकॉज स्कैंडियम थ्री पॉजिटिव आयन इज bigger than एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव आयन. अभी हमने ये पीरियोडिक टेबल में देखा था कि एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव एल्यूमिनियम पीरियड थ्री में है और स्कैंडियम पीरियड फोर में है, तो साइज बड़ा हो जाएगा. दोनों इस वक्त थ्री पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, तो स्कैंडियम का साइज बड़ा होगा, इसलिए वो लेस एनर्जी रिलीज करेगा. उसकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी. ये बात यहां तक क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. ओके, एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. अच्छा, स्पेरिंगली सोल्यूबल उन सॉल्ट्स को कहा जाता है जो कि वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है. और स्पेरिंगली सोल्यूबल अगर सॉल्ट है तो ये जो है ब्रेक होने पे एल्यूमिनियम आयन होल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. अब वो क्या कह रहे हैं आपसे, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी ऑफ ए एल एफ थ्री. तो के एस पी हमने इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन में के एस पी इक्वेशन में ये दोनों आएंगे, तो के एस पी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव आयंस टाइम्स फ्लोराइड आयंस रेज टू द पावर क्यू. जी, ये क्लियर है सबको? यस सर. अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के पी फॉर ए एल एफ थ्री एट 298 केल्विन. ओके, तो अच्छा, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है. अगर आप रेशियो देखें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड वन मोल एल्यूमिनियम आयन फॉर्म कर रहा है और थ्री मोल्स फ्लोराइड आयन फॉर्म कर रहा है, तो वन इज टू थ्री का. तो अगर मैंने 6.5 एक्सपोनेंट माइनस टू मोल्स यूज किए हैं तो एल्यूमिनियम के तो इतने ही मोल्स बनेंगे, क्योंकि वन इज टू वन का रेशियो है इसका एल एफ थ्री के साथ, बट फ्लोराइड के 3 times 6.5 एक्सपोनेंट माइनस टू मोल्स मिलेंगे. तो अब हमें वैल्यूज एक्सप्रेशन में पुट करनी है, तो एल्यूमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 6.5 एक्सपोनेंट माइनस टू, 3 into 6.5 एक्सपोनेंट माइनस टू क्यूब, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे क्यूब है. सॉल्व कर लें और आंसर बता दें मुझे. Four point eight
एक्सपोनेंट नेगेटिव फोर, और यूनिट क्या हो जाएगा, मोल रेज टू द पावर फोर एन डी एम माइनस 12. सो 4.8 एक्सपोनेंट माइनस 4 विल बी रिटन ओवर हियर. जी ये क्लियर है सबको? यस सर. किसी को भी बेटा कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं. कंपाउंड एफ हैज फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन सम सीरियल्स एंड ड्राई फ्रूट्स. ओके, गिव द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स लेबल्ड ए एंड बी. अगर आप ए को देखें तो हु कैन टेल मी ए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और अगर बी को देखें तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो बी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यस, कैन एनीबॉडी आंसर? ए एस्टर होगा. ओके, ए इज एस्टर, बी अमाइड होगा, एंड बी इज अमाइड. वेरी गुड रिदा. देखें एस्टर क्या होता है, दिस इज एस्टर जिसमें सी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और कार्बन कनेक्टेड हो. एंड अमाइड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अगर एक नाइट्रोजन बॉन्डेड है तो ये अमाइड है. ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है? जी बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर. ओके, नेक्स्ट, स्टेट द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एफ. ओके, तो जी आप में से कोई मुझे बताएगा कितने कायरल कार्बन हैं? हाँ जी, कितने कायरल कार्बन हैं? सिक्स. वन, टू. सिक्स कैसे हैं अहमद बेटा, ये सिर्फ दो ही हैं. सर बेंजीन रिंग पे जो कार्बन्स होते हैं, बेंजीन रिंग इज अ पाई बॉन्ड, राइट? ऑलराइट, सो देयर आर नो फोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. तो जिन दोनों को मैंने येलो ब्राउन कलर से हाईलाइट किया है, ये दोनों कायरल कार्बन है. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, टू. जी यहाँ तक क्लियर है? सर इसमें और नहीं होंगे, सिर्फ दो ही होंगे. जी बेटा अगर आपको कोई दिख रहा है तो मुझे बता दें, मुझे तो और कोई नहीं दिख रहा अभी. एक जो OH और डबल बॉन्ड O है उसके बीच में जो वो कार्बन है उस पे. इस कार्बन की बात कर रहे हैं आप? जी बेटा ये कार्बन पाई बॉन्ड नहीं बना रहा. जी महत, जी महत, ये पाई बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा? आपकी आवाज कट रही है. बना रहे. तो जब पाई बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब है
जो कार्बन पाई बॉन्ड बनाता है उसके पास चार ग्रुप्स बॉन्डेड होते हैं या तीन ग्रुप्स बॉन्डेड होते हैं? भाई अगर कार्बन पाई बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप यहाँ पे होगा, चार ग्रुप्स तो हो ही नहीं सकते। जी जी ठीक है, तो वो कायरल नहीं हो सकता। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, एफ कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग विद एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज शोन, थ्री प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, जी एंड टू अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। ओके, तो अगर आप देखें इसको तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, अमाइड बॉन्ड और ईस्टर बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और एक ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो जब ये ब्रेकिंग हो जाएगी तो जो आपका ये वाला पार्ट था, सॉरी वो सारा यहाँ पे आ गया। अब बचे रिमेनिंग दो पार्ट, अगर मैं उनकी स्प्लिटिंग करूं तो देखें एक पार्ट तो मेरे पास क्या बच रहा है, ये, और दूसरा पार्ट क्या बच रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। तो यहाँ पे एच आएगा और यहाँ पे ओ एच आएगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। देखें ये बात हमने एएस में भी की थी, मैं आपको एक बात रिकॉल कराता हूँ। एक मिनट दें मुझे प्लीज। देखें हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलाइज्ड किस रिएक्शन को रेफर कर रहा है, हाइड्रोलिसिस को रेफर कर रहा है, ठीक है। और अगर आप रिकॉल करें तो हाइड्रोलिसिस कौन कौन से कंपाउंड करते हैं, हाइड्रोलिसिस अल्काइल हैलाइड्स करते हैं, और कौन कौन करता है, नाइट्राइल्स करते हैं, और कौन करता है, एसिड क्लोराइड करते हैं, ठीक है, और कौन करता है, अमाइड करते हैं, और कौन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं, ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर है सबको? सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा हूँ, ईस्टर्स करते हैं। तो देखें जब भी अमाइड या ईस्टर हाइड्रोलाइज होते हैं तो एस्टर में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, और अमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और नाइट्रोजन, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो ईस्टर में कार्बोनाइल जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है वो ब्रेक कर देता है, और अमाइड जो सी डबल बॉन्ड ओ जो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है वो ब्रेक कर देता है। ये बात क्लियर? ओके, तो इसी बेसिस पे हमने कंक्लूड क्या किया कि एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना चाहिए और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना चाहिए और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना चाहिए। अगर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो एक मॉलिक्यूल ये बन रहा है जो कि इसमें कन्वर्ट हो गया, जिसे हमने बोला जी। अब अगर हम दूसरे ब्रेकिंग की बात करें तो एक ब्रेकिंग जो है ये हो रही है, तो इसका मतलब है लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे अभी रिपोर्ट कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट केस में हमारे पास ये ग्रुप है, तो इस वाले ग्रुप में क्या है,
एक बेंजीन रिंग अटैच है, उसके साथ दो कार्बन की चेन है, सेकंड कार्बन पे NH2 लगा हुआ है लेट सपोज, और यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, तो ये आपकी प्रोडक्ट्स बन रही हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर है सर? जी यहाँ जी, जो लेफ्ट जो फर्स्ट वाला हमने प्रोडक्ट बनाया है जो हाइड्रोलाइज़ होके बना है, इसके अंदर O के साथ H नहीं लगना चाहिए? हाँ, इसके साथ H लगना चाहिए क्योंकि एक बॉन्ड कम है। बिल्कुल सही है जी। और कोई क्वेश्चन? जी कंप्लीट कर लिया सबने? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर ये कौन से चैप्टर का हिस्सा था बेटा? अगर अगर हम इस रिएक्शन को रिकॉल करें ना, तो ये देखें यहाँ पे ईस्टर हाइड्रोलाइज हुआ है जी, तो ईस्टर की हाइड्रोलिसिस है, दैट इज फ्रॉम योर ए एस ऑर्गेनिक, और यहाँ पे अमाइड हाइड्रोलाइज हुआ है एंड दैट योर फ्रॉम ए टू ऑर्गेनिक, और ए टू में भी किसका पार्ट होगा? नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हमने ऑर्गेनिक में किए हैं, ये आपको अमाइड हाइड्रोलिसिस उधर मिल जाएगी। ठीक ठीक सही। हाँ ओके, कंपाउंड एच इज फॉर्म्ड इन वन स्टेप ऑफ अ डिफरेंट सिंथेसिस एज शोन। ओके तो एच कैसे फॉर्म हो रहा है? स्टेट द रोल ऑफ FeCl3 इन दिस स्टेज। देखें यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे क्लोरीन आ गया और रिएक्शन किसके साथ हुआ? क्लोरीन का FeCl3 के साथ हुआ। तो ऐसे केस में हम FeCl3 का रोल क्या बताएंगे? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट गुड। कोई और टर्म भी हम इसके लिए यूज करते हैं स्पेसिफिक इस रिएक्शन में जिसमें ब्रोमीन में सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है? हैलोजन कैरियर ना? या हैलोजन कैरियर इस कैटलिस्ट और हैलोजन कैरियर जी। ये भी क्लियर है सबको? Use the data booklet to suggest two reasons why the chlorine atom in the compound H substitutes into ring at the position shown instead of other positions in the ring. जी दो reasons बताने, ये आपके सामने ऊपर reaction। वो जी वो डायरेक्टिंग के बारे में बताएंगे ना? बिल्कुल। तो बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ था? OH ग्रुप और जी जी OH ग्रुप डायरेक्ट करता है, 2 एंड 4 पोजीशन पे डायरेक्ट करता है।
और हम सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि अगर सी डबल ओ एच ग्रुप होता जी, तो सी डब्ल्यू एच बेसिकली क्या करता है, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन को थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कराता है और ओएच ग्रुप नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन को सेकंड एंड फोर्थ पे सब्स्टिट्यूट कराता है। ये बात यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। जी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक तो प्लीज पूछ लें। ओके सर, ये COOH ग्रुप का क्यों लिखा है ये बताएंगे? COOH ग्रुप में लिखा है तो सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप का। बेटा यहाँ पे बेंजीन रिंग पे COOH ग्रुप भी तो लगा हुआ है, ये देखे ना, रिएक्शन में OH है और एक COOH है, तो इसलिए दोनों से कंपेयर किया। तो अगर उनको देखें जिस पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, अगर मैं OH वाले कार्बन को वन कंसीडर करूं तो ये कार्बन फोर हो रहा है, जो कि हमने स्टेटमेंट किए वो बात जस्टिफाई हो रही है। और अगर मैं इसको कार्बन नंबर वन कंसीडर करूं तो ये कार्बन नंबर थ्री हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड भी सही है और विद रिस्पेक्ट टू OH भी सही है। जी सही समझ गया। ओके, कंपाउंड जे CXHYOZ इज ऑल्सो फाउंड इन सम सीरियल्स। Part of the mass spectrum of J is shown. M+1 peaks are labeled along with their relative intensities. Calculate the number of carbon atoms X present in J. So number of carbon atoms find करने के लिए हम क्या formula use करते हैं भाई? तो फॉर्मूला ये था 100 अपॉन 1.1 मल्टीप्लाई बाय M+1 ओवर M। सो 100 अपॉन 1.1 मल्टीप्लाई बाय M+1 पी केरी सर वैल्यू गिवन है। वैल्यू गिवन है 14.4। ओके या सो 14.4 और एमपी की भी वैल्यू गिवन है जो के 250 है और उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी क्या 100 है। ठीक है, मैंने क्या वैल्यू देखी थी 250। तो यहाँ पे आ जाएगा 250। सॉल्व कीजिए और बताइए कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं। सर आप नीचे एम ई वैल्यू क्यों दिया? आपको नीचे 100 लिखना चाहिए था ना सर। हाँ हाँ सॉरी, पता नहीं मैंने एम आर लिख दिया। आंसर 13 है। आंसर इज 13। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 13 हो गई। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। द मास स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट एम ई इज इक्वल्स टू 205। सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ फ्रैगमेंट लॉस्ट फ्रॉम जे टू फॉर्म दिस पीक। ओके,
इनिशियल एम आर कितना है? 250 है, 250 जी। और उसके बाद 250 में से मैं टोटल को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 45। तो इसका मतलब है जो भी चीज ब्रेक होने के बाद रिमूव हुई है उसका एम आर क्या है? 45। हमें उसकी आइडेंटिटी बतानी है। तो अगर C2 अगर मैं सॉरी C2 एक्सटेंड तो नहीं सकता, अच्छा वो मैंने 45 निकाल दिया है ना, तो 45 क्या हो सकता है? C2 H और वो भी डाल सकते हैं जी बिल्कुल। एक मिनट मुझे देखने दें सर, C2H5O that'll be the correct one। C2H5O कितने कार्बन है? 2, मास 12, 5, 24 हो जाएगा और प्लस 24, 29, 16, हाँ हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 हो रहा है, तो आपने ये वर्किंग भी दिखा दें और यहाँ पे शो कर दें कि पॉजिटिव 45। तो CO2H हो सकते हैं? हाँ हो सकता है, अगर उसका MRB 45 आ रहा है तो CO2H12 plus 32 plus 1 तो 12 plus 1 13, 13 and 32 45 जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम दो आंसर्स लिख सकते, दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं कि इट इज इधर COOH और जी। यहाँ तक क्लियर है सबको जी? ओके गैलिक एसिड C7H6O5 इज नेचुरली अकरिंग एरोमेटिक मॉलिक्यूल। Gallic acid contains the carboxylic acid and phenol functional groups. Suggest and explain the relative acid strength of these two functional groups. तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और फिनोल भी है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें पता है कि COOH स्ट्रॉन्गर है किससे? एक मिनट, किससे स्ट्रॉन्गर है? दूसरा हमारे पास लगा हुआ है फिनोल, फिनोल से स्ट्रॉन्गर है। और ऐसा क्यों है?
इट इज बिकॉज OH बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एच पॉजिटिव इजीली रिलीज हो जाता है, इसलिए उसे कह रहे हैं कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर है। अच्छा जी, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू फंक्शनल ग्रुप, और ऐसा क्यों हो रहा है? OH bond gets weaker due to OH bond gets weaker due to ये जो C double bond है ये अपने ये electrons withdraw कर रहा होता है, negative inductive effect। जी ये वाला आंसर सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। जी क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। ओके, मंडे को हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी तो मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूं, ठीक है? और मंडे से अच्छा ये बताएं 11:30 पे आप सब क्लास ले सकते हैं ना? कुछ स्टूडेंट्स का शायद 11:30 पे क्लैश आ रहा था। चलें ग्रुप पे मैं डिस्कस कर लूंगा। ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।